हेतु केवल मिल के पीछे ही है। अगर मैं मिल में नहीं लगता तो हो सकता मैं किसी होटल में कब्बसी धोता या किसी किसान बड़े किसान जागीरदार के वहाँ नौकर रहता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिखा था, साइकिल लेके घूमता घूमता यहाँ आ गया, मिल में घुसा। पहले ये जंगल था, चार था भैया, पूरा पेड़ थे, पहले बहुत बड़े बड़े आम थे। ये जो आप गाड़ी देख रहे हो, ये गाड़ियाँ पहले नहीं थी, लोग साइकिल से आते थे। शुरुआत में 100-200 वर्कर काम करते थे तीनों शिफ्टों में, आज 11,000 वर्कर काम करते हैं पूरे ग्रुप में। साग सब्जी वाले, हमारे एक मजदूर लेवल की भाषा में कहना है कि एक मजदूर 5 परिवार को पालता है, लेवल से वो चलता है, और आज बहुत बड़ी संपन्नता बांसवाड़ा में दिख रही है। If you've walked around the factory, you would have seen plants everywhere. Banswara wants to be Asia's greenest mill. So we've planted little plants and large plants across the factory, and the kitchen garden we're sitting in at the moment has plants from all across the region. We needed clean, reliable power. Banswara's thermal power plant, which is a co-generation power plant, generates enough energy to power the entire city and generates its own electricity for the 5,000 residents within our colony. Our effluent water treatment plant treats up to 500,000 liters of water every day. That water had a mix of toxic and hazardous chemicals, which are removed through various natural and bacterial processes and lead to the water that is discharged being as good as drinking water with a pH of close to 7.5. It was difficult initially to get the residents of the colony to separate wet and dry waste. For the first year, we gave them 1 kilogram of rice for every kilogram of plastic and solid waste that they returned, and 5 kilograms of sugar for every 5 kilograms of waste. And now we don't offer them any incentive, and they recycle almost 10,000 kilograms of waste every month. गोपाल पटेल नाम है मेरा, सनोप श्री जी भाई पटेल। बांसवाड़ा टेक्सटाइल मिल में विगत 12 साल से काम कर रहा हूँ, और वो भी फोल्डिंग डिपार्टमेंट है जिसमें सैम्पलिंग का काम देता हूँ। जैसे मेरे पापा वर्कर में हैं, मैं लगा स्टाफ में, उसके बाद मुझे भर्ती किया स्टाफ में। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी कॉमर्शियल या अन्य डिपार्टमेंट में, जो थिंक टैंक बना हुआ कंपनी का, उसमें हिस्सा लें। बांसवाड़ा सिंटेक्स सबसे पहला उद्योग खुला था। बांसवाड़ा धीरे धीरे शहर से भी बिल्कुल बीच में आ गया मिल। शहर सुंदर बना है, पहले गांव टाइप लगता था शहर। बांसवाड़ा के लिए एक वरदान है, लेकिन हमें जो उद्योग की अभी जो ग्रोथ दिख रही है बढ़ने की, तो लगता है कि ये कई सालों तक चलेगा।